Hello and welcome back to Mommy's Kitchen Story. If you like my recipes, then don't forget to subscribe my channel. Also press the bell icon for the latest updates. So, आज हम बनाने वाले हैं लाल मिर्च का अचार. But ये अचार थोड़ा सा हम different तरीके से बनाएंगे. Normally लोग इसमें stuffing करते हैं, but हम इसे काट के बनाएंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना. अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्चियों को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लेंगे इस तरह से करीब 4 से 5 घंटे, जिससे इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे. एंड उसके बाद हम मिर्चियों को इस तरह से काट लेंगे. नॉर्मली मम्मी लोग इसे स्टफ करके बनाती थी, बट मेरे को ये बहुत हेक्टिक लगता था, इसलिए मैंने इसका नया तरीका निकाला एंड हम इसे काट के बना रहे हैं. आई होप आपको भी ये तरीका पसंद आएगा. सो हमने यहाँ पे सारी मिर्चियों को कट कर लिया है एंड पूरी तैयारी करके रख ली है. सो मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले हमने ली है 50 ग्राम सरसों या पीली राई, 3 से 4 टेबलस्पून जीरा, 4 से 5 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून मेथी दाना, 3 टेबलस्पून हल्दी, 7 से 8 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 से 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड करीब 100 ग्राम नमक. बट नमक आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे राई, जीरा, मेथी और सौंफ को दरदरा पीस लिया है एंड सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है. बस हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे. सो हमारा अचार का मसाला एकदम रेडी है. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमने कैसा इसे पीसा है. बहुत ज़्यादा हमने इसे बारीक नहीं किया है. एंड अब हम मिक्सिंग शुरू करेंगे. सो ये रही हमारी कटी हुई मिर्चियाँ जिसमें हम हमारा मसाला डालेंगे. धीरे धीरे हम इस तरीके से सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे. सो हमने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया है एंड अब हम इसमें डालेंगे नमक. एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल. सो एक साथ हम इसमें बहुत सारा ऑयल नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं एंड इसे मिक्स कर लेते हैं. एंड उसके बाद जितना भी हमें लगेगा हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ा ऑयल और डाल देंगे. इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो हमारी मिर्चियां हैं वो पूरी तरह से मसाले में लपेट जाएं एंड नमक वगैरह सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो एज यू कैन सी अभी इसमें काफ़ी ऑयल कम है, बिल्कुल भी इसमें ऑयल दिख नहीं रहा है. तो हम इसमें थोड़ा ऑयल और ऐड करेंगे एंड फिर से इसे मिक्स करेंगे. सो नॉर्मली ये अचार स्टफिंग करके बनता है, जो हमारा मसाला है वो हम मिर्ची में भरते हैं, बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है एंड इट इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग. एंड टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे वैसे. तो इट इज़ बेटर कि इस तरीके से बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा एंड आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे. सो एज यू कैन सी हमारा अचार रेडी हो चुका है एंड अब हम इसे स्टोर करेंगे. सो मैंने यहाँ पे एक बर्नी ली हुई है, ग्लास की बर्नी. इसमें हम नीचे पहले तेल डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा अचार. एंड अचार को हम अच्छे से दबा के भरेंगे
जिससे कि इसमें बिल्कुल भी हवा ना रहे बीच में। सो हमने यहाँ पे सारा अचार ट्रांसफर कर दिया है एंड इसे हम अच्छे से दबा देंगे एंड उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। ऐसा करने से जो हमारा अचार है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है एंड इसे हम अच्छे से टाइटली बंद कर देंगे। बट अभी मैं आप लोगों को ये अचार एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। सो यू कैन सी हमारा अचार कितना टेस्टी दिख रहा है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। And if you like this recipe, then don't forget to like, share and comment. Your comment means a lot. Thanks for watching.